शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें यहां पे सबसे पहले कैसा सीड से। तो हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का मार्च वायदा 7198 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 7416 का भी हाई लगा चुका है, 1.5% की करेक्शन है। देख रहे हैं कि कैसे सीड के मार्च वायदे में आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 7400 का हाई भी लगाया है तो वहीं 7300 के स्तर से भी फिसला है और 7198 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 7118 का लो भी लगाया है। देख रहे हैं कि कैसे सीड की जो कीमतें हैं उनमें आज एक थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली बनती नजर आई है ऊपरी स्तर से। कैसे सीड में हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही थी, आज देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो कैसे सीड में आज क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एम सी पर। अजय जी, आपने पहले भी बताया था कि कैसेस में तेजी देखने को मिलेगी, हमने कैसेस सीड में तेजी बनते हुए भी देखी। 7300 पर कुछ दिनों से कैसे का बाजार सस्टेन था, 7400 का हाई भी लगाया है, अब देख रहे हैं कि हल्की सी मुनाफा वसूली भी बनी है। आपको क्या लगता है ये मुनाफा वसूली कहां तक जाएगी और क्या फिर से इससे और अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, मुझे लगता है जो रैली थी वो अभी भी कायम रहेगी, बट रीजन से अभी मार्च में अराइवल स्टार्ट हो जाता है और एक्स्ट्रॉर्डनरी हमने जब ये रैली बताई थी जब 6600 के आसपास का भाव था और हमने उम्मीद दिखा था कि 7200 से 7500 और ओवरऑल 78 से 8000 तक का लेवल दिखा देगा, ये हमारा व्यू था। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मार्केट एक जो कहीं ना कहीं डाउन साइड में वापस 6900 से 7000 तक के रेंज में आ सकता है, क्योंकि अराइवल भी बढ़ना है और साथ में जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है इसकी वजह से मे भी पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत हमारा जो डिमांड है वो ड्रॉप करे। तो आई थिंक 6900 से 7000 का रेंज फिर से मिलेगा, वहां पे फिर से लेके चलिए, टाइमिंग 2 दिन मार्केट थोड़ा सा नरम रह सकता है। जी अजय जी, बात करें यहां से अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आपने हमेशा ही बोला है कि ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव टू मीडियम है। अभी हमने ग्वार गम ग्वार सीड में ऊपरी स्तर से काफी दबाव भी आता हुआ देखा है कि जो कीमतें हैं काफी फिसलती भी नजर आई और अभी भी देख रहे हैं कुछ खास लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी ग्वार गम और ग्वार सीड ऐसे ही मंदी के साथ ट्रेड करते रहेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ग्वार में मेरा व्यू न्यूट्रल टू वीक है। जी, सेम व्यू मैं लेके चलता हूँ। मार्केट में जब तक 6200 का लेवल नहीं तोड़ेगा ट्रेंड वीक रहेगा। जो 5600 का पहला लेवल है और मे बी 5600 का लेवल अगर इन्फ्लेट करता है, टूटता है, तो 5100-5200 तक का भी लेवल दिखा सकता है। बट मेरा व्यू थोड़ा सा चेंज होएगा 15 से 20 मार्च के बीच में। रीजन से क्रूड में एक बड़ी तेजी आई है, $118 ब्रेंट में टच कर गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यूएस के प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि रशिया 10.2 मिलियन डॉलर का प्रोडक्शन रखता है। अब रशिया पे जो इकोनॉमी का टेंशन लग रहे हैं एनर्जी पे, जिसके चलते यूएस कोशिश करेगा ये ऊंचे भाव को कैप्चर कर पाए, लेकिन जब तक ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाएंगे तब तक इसमें तेजी नहीं बनती है। तो मुझे लगता है 20 मार्च के आसपास अगर स्टिमुलस पैकेज की घोषणा होती है और वो ऑयल एंड गैस को करता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी तेजी बन जाएगी, बट 20 तारीख के बाद बनेगी। जी अजय जी, बात करें यहां से अगर मसालों की, तो मसालों में हमने ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव आते हुए देखा है। हालांकि जो कीमतें अभी भी ठीक ठाक ही हैं, लेकिन मसालों की कीमतों में नरमी भी देखने को मिली, हल्की सी मुनाफा वसूली भी आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है,
क्या अभी ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसके चलते ये जो एक्सपोर्ट डिमांड हिट होने की चिंताएं हैं, तो क्या उसकी वजह से मसालों में गिरावट देखने को मिली है या फिर आगे जो अराइवल प्रेशर आने वाला है अब उसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए, मैंने आपके चैनल पे क्लियरली कहा भी था कि मसालों के अंदर अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। 20 फरवरी तक हमें तेजी लग रही थी, 20 फरवरी के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम मार्केट में बना हुआ है। नो डाउट मैं मंदी के व्यू में नहीं हूँ, बट मुझे लगता है सामने अराइवल को देखते हुए और साथ में जिस ढंग से हायर भाव में ऑलमोस्ट जनवरी से अभी तक 2 महीने के अंदर हमने 28 से 30% की तेजी देखी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग जीरे और धनिये में मिलेगा। यहाँ जीरा मुझे लगता है कि 19,000 से 19,500 के बीच में, वहीं धनिये की अगर बात करें तो मुझे लगता है 9,000 से 9,200 के बीच में मिलेगा। वहां पे ही बाय करना है, एज ऑफ आवर करंट लेवल पे बाइंग से बचे, मार्केट में जबरदस्त गिरावट आने की उम्मीद है। जी अजय जी, बात करें यहां से अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा है। काफी समय से बिनौला खल 3100 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है 3400 या 3500 तक के जो लेवल्स है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, ब्रेकआउट लेवल कब तक देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिनौला खल के लिए भी मैंने आपके चैनल से कहा भी था कि फरवरी महीना मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा, और हमने रेंज दी थी 3000 से लेकर 3400 के बीच में। महीने में हमने देखा प्राइजेस कोई भी लेवल पे 3300 के ऊपर नहीं जा पाया था, 3400 तो दूर है और 3000 का हमने सपोर्ट रखा था। प्राइजेस में आप देखेंगे तो 3000 का लेवल भी छुआ नहीं, 3016-3030 से घूमता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब तेजी का आगाज धीरे धीरे होना चालू हो गया है। इनफैक्ट आज भी अगर हम मार्च वाइड अप्रैल वाइडे की बात करें तो 3140 के करीब ट्रेड कर रहा है। जी, टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पे आप आराम से बाय करके चलिए, बट इंडिकेटर वाइज अगर देखें तो 3240 का पहला घर और 3460 का दूसरा, ये दो लेवल टूट जाता है तो हम 3800 का भी लेवल देख पाएंगे। ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है, करंट लेवल से भी आप बाय करके चलिए, 3800 तक का ओवरऑल टारगेट रहेगा जो अप्रैल मई तक दिखा देगा। जी अजय जी, बात करें यहाँ से अगर कॉटन की, तो कॉटन में भी हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है, कॉटन को भी लेकर हमारे पास काफी सवाल आते रहते हैं कि अब क्या कॉटन में निचले स्तर से फिर से बाइंग निकल सकती है, तो क्या कॉटन एक बार फिर से ऊपरी स्तर पर जाता हुआ नजर आ सकती है? देखिए, आई थिंक कॉटन के अंदर एक बड़ी तेजी निकल चुकी है। जी, मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ अब कॉटन में, बिकॉज जब तक एक मोटा मोटी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 14,820 मई 2020 में था, यहाँ से हमने 1 साइडेड तेजी बनते हुए देखी जो 160% की तेजी थी, जो 38,500 तक का लेवल दिखा दिया है। टेक्निकली मुझे लगता है जो हमने एक्सपेक्टेशन रखा था वो पूरा मैच कर चुका है, बट जैसे कि हम जानते हैं नया माल हमको अक्टूबर से पहले मिलना नहीं है, कपड़े की यार्न की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, तो मुझे लगता है पुल बैक दिखा सकता है 3400 से 3450 तक का लेवल। लेकिन मैं सेल की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न रहा है वो हमेशा रहा है कि मार्केट में 3-4 हजार की गिरावट और फिर तेजी, तो मुझे लगता है 3400-3500 के करीब लेके चलना चाहिए। 3800 के ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर नई तेजी बनेगी जो 41,000 तक का लेवल दिखा दी, पर टाइमिंग 3800 से 3400 ये दायरे में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। जी अजय जी, बात करें यहाँ से अगर हम एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल पैक में हमने अजय जी एडिबल ऑयल पैक में हमने यूक्रेन और रशिया से सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट बंद होते हुए देखा है, वहां से पोर्टो पर माल रुका हुआ है, उधर सीपीओ और रिफाइंड सोया के भाव बढ़े हुए हैं, ऐसे में देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन फ्यूचर भी लगातार तेजी की ओर है और इंडिया में भी बाजारों में मंडियों में सोयाबीन की आवकों में तेजी के बावजूद जो कीमतें हैं वो भी रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रही हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है जो सोयाबीन अब NCDX पर 7,900 का लेवल दिखा चुकी है, तो क्या आने वाले दिनों में 8,500 या 9,000 का भी लेवल दिखा सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सोयाबीन में मार्केट में तेजी का रुख कायम रहेगा, जिस ढंग से तेल के भाव में तेजी बनी हुई है, क्रूड के तेजी से
की बनी हुई है और पाम ऑयल की तेजी की वजह से इसका कोर रिलेशन हम लोग रिफाइंड सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल सभी में देख रहे हैं। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमने जो सनफ्लावर का जो सप्लाई वो रुकते हुए देखा है, ये कहीं ना कहीं पूरे एडिबल ऑयल पैक में और खिंचाव रखेगा। मुझे लगता है सोयाबीन टाइमिंग मस्टर्ड की क्रॉप के चलते ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, बट फिर भी मुझे लगता है 7,800 से 8,000 तक का लेवल हम अप्रैल मिड से अप्रैल एंड तक देख पाएंगे। करंट मार्केट से भी सोयाबीन काफी अच्छा लगता है, रिफाइंड सोया अभी भी अच्छा लगता है। जी अजय जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए टॉपिक्स में अगर हम पकड़े तो सबसे टॉप मुझे लगता है करंट मार्केट से कॉटन सीड ऑयल के अप्रैल वायदे को लेके चलिए। जी थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर रहेगा वो है 3,000 का, बिकॉज 3,000 के नीचे मुझे कोई भी एंगल से दिखाई नहीं देता है। ऊपर में अगर ये 3260 का लेवल तोड़ दिया तो 3450 तक का पहला लेवल है और 3600 के ऊपर दूसरा लेवल रहेगा, थोड़ा लंबा व्यू लेके चलिए। वहीं दूसरी कमोडिटी है कैस्टर, बट कैस्टर को अभी करंट मार्केट से नहीं लेना है, कैस्टर हमें 6950 से 7000 के बीच में मिलेगा वहां पे लेके चलिए, जो 7800 तक का लेवल दिखा देगा। मैं इंट्राडे के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट मुझे काफी एलिवेटेड लेवल्स पे लग रहे हैं, करेक्शन ड्यू है, इसके लिए बड़ी पोजिशन से बचे। टाइमिंग कॉटन सीड ऑयल के और कैस्टर, ये दो कमोडिटी मुझे ऐसी लग रही है जहां पे हम एंट्री करके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसल का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।